नमस्कार, G28 में फिर से एक बार आपका स्वागत है। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि से हमारा अभिप्राय है ऊर्जा। हम अपने डेली के रूटीन में देखते हैं कि बिना ऊर्जा के हम लोग आज अपने आप को कितना निसहाय पाते हैं। थोड़ी देर अगर हम लोगों के पास बिजली नहीं होती तो हम कितनी परेशानियों से जूझ जाते हैं। आज हम लोग शहरों में रह रहे हैं, हमें 24 घंटे लगभग 24 घंटे बिजली मिल रही है, पर आज हमारे देश का काफी ऐसा हिस्सा है जहां पर शायद दिन में या हफ्ते में 1 से 2 घंटे तक बिजली आती है। आप इन्हीं सब बातों से समझ गए होंगे कि आज का हमारा विषय क्या है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है ऊर्जा। और इसी के उपलक्ष्य में आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ योगेंद्र प्रसाद जी से। नमस्कार योगेंद्र प्रसाद जी, आपका G28 में बहुत बहुत स्वागत है। योगेंद्र प्रसाद जी के बारे में जितना भी कहा जाए वैसे तो बहुत कम है। इन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष से भी ज्यादा ऊर्जा पर दिए हैं और वैसे लगभग 8 साल ये NHPC में भी अपना सहयोग दे चुके हैं। और NHPC को इन्होंने जब स्टार्ट किया या उसको ज्वाइन किया वो बहुत घाटे पर चल रही थी और इनके योगदान से उसने निरंतर ऊंचाइयों को छुआ। तो योगेंद्र प्रसाद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर हमारे देश की पॉलिसी में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से आज हमारे देश के प्रत्येक घर में बिजली नहीं पहुंचती। देखिए, हमारे देश में जो हमारे देश के रूरल रहे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स रहे, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेट्स रहे, उनके समझ में बड़ी कमी थी, उनको नॉलेज ही नहीं था ऊर्जा क्या है, ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी पॉलिसी क्या बनाई जाए। हालांकि सरकार के अंदर में इसके लिए एक संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जिसका काम था नेशनल प्लान तैयार करना पावर के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन उसने कभी नेशनल प्लान को तैयार ही नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि ऊर्जा को समझता नहीं है। ऊर्जा आज हमारे शरीर में जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उस तरह से ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा के बिना हम बिल्कुल ही मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे सुबह में उठते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं तो इमीडिएटली बिजली चाहिए, तब तैयार करते हैं, नहा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उस तरह से हर काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। और इस ऊर्जा की कमी होने पर महसूस होता है कि हम कितने असहाय हो गए। लेकिन लोग समझता है कि कोयले से बिजली खाली पैदा करो, कभी कोई कहता है कि पानी से बिजली पैदा करो, कभी कहता है न्यूक्लियर से पैदा करो, और कोई प्लान नहीं है किससे कितनी चाहिए ऊर्जा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ऊर्जा को आप जमा नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा जो पैदा करते हैं उसको खर्च करना ही है। अगर खर्च नहीं करते तो मुश्किल हो जाएगा, इसका भंडार नहीं हो सकता, भंडार नहीं हो सकता है। यहाँ क्या है कि जो देश की जनता में जो भी है, जिनके यहाँ पावर का कनेक्शन है, उनको खर्च करना है और उसके अनुसार उनको जनरेशन करना है। और इसमें फ्रीक्वेंसी का बड़ा रोल होता है, जो कि जो फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा हो जाएगा वो भी मशीन को, जनरेटिंग प्लांट को डैमेज करेगा, और ज्यादा डिमांड होगा, जनरेशन कम होगा तो उस समय भी मशीन को डैमेज करेगा। इसीलिए अभी रेगुलेटरी कमीशन ने एक नया ग्रिड कोड निकाला है जिसमें 49.9 से लेकर 50.05 फ्रीक्वेंसी के अंदर में सिस्टम को चलाना है। और ये चीज अभी जो है सो समझ में नहीं आ रहा है कैसे चलाया जाएगा। इसके लिए हाइड्रो और थर्मल, दो जो कोयला से बिजली या पानी से जो बिजली पैदा होता है, मेन वही है जिससे दोनों के प्रॉपर मिक्स होना चाहिए, जिससे कि जब बिजली हमारा घटे, डिमांड घटे, तो हम बंद कर दें बिजली को, ऊर्जा पैदा करना हाइड्रो से, और जब बिजली का डिमांड बढ़े तो उसे बढ़ा दें। अब फिक्स लोड जो होता है सिस्टम में, उसके लिए कोयला से बिजली पैदा करें, न्यूक्लियर से बिजली पैदा करें। तो ऐसा है कि हमारे देश में कोई इसका प्रॉपर नेशनल प्लान नहीं बना और ऊर्जा क्षेत्र को सबसे अधिक नेग्लेक्ट किया गया, जबकि ऊर्जा क्षेत्र को सबसे अधिक प्रायोरिटी देना चाहिए। और इस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन भी दिया है कि नई सरकार जब आ रही है तो मैक्सिमम प्रायोरिटी ऊर्जा को दे। हम मानते हैं कि डिफेंस भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे बाहरी थ्रेट से हम बच सकें, लेकिन डिफेंस के बाद अगर कोई मिनिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ऊर्जा। लेकिन हमारे देश में होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बातें करते हैं, हमारा सारा फाइनेंस चौपट हो जाएगा अगर हम ऊर्जा के प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाएंगे। और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में जो अथॉरिटीज हैं वो ईमानदारी से अपना कर्तव्य करते हुए
नेशनल प्लान बनावे और प्लानिंग कमीशन में जिनको ऊर्जा की जानकारी है वैसे आदमी को प्लानिंग का मेंबर बनावे। तो अब तक ये ऐसा हो क्यों नहीं पाया? कारण क्या था कि ऊर्जा क्षेत्र में हमेशा देखिएगा कि ऊर्जा मंत्री के पद पर बहुत योग्य मंत्री कभी नहीं आए, कभी कभी कुछ दिन के लिए आए लोग फिर जल्दी चले गए। और ऐसा हुआ कि ऊर्जा क्षेत्र को महत्व नहीं दिया गया। कारण क्या है कि हमारे लोग समझते नहीं है कि ऊर्जा का महत्व क्या है। अगर ऊर्जा का महत्व समझना है तो आप अमेरिका को देखिए, रशिया को देखिए, चाइना को देखिए, स्वीडन को देखिए, लंदन को देखिए, वो लोग समझता है ऊर्जा का क्या वैल्यू है। और यहाँ भी लोग रियलाइज करता है कि ऊर्जा के बिना हम चलेंगे नहीं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और जो इसके रियल एक्सपर्ट्स हैं उनके रिपोर्ट की उनके कहने का कोई वैल्यू नहीं है। जी। मैं भी जब चेयरमैन सिद्धार्थ फ्रीक्वेंसी के ऊपर बहुत बोला था, लेकिन कोई समझता ही नहीं था कि फ्रीक्वेंसी क्या है। प्रसाद पागल है जब बोल रहे हैं, पेपरों में ज्यादा था, लेकिन आज वो रियलाइज किए, आज ग्रिड कोड बना, सब कुछ बना, लेकिन हमारा जो ऊर्जा के क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हुआ, जेनरिक प्लांट सब का डेवलप नहीं किया गया। हमारा जो हाइड्रो का जो पोटेंशियल है उसका मुश्किल से 10% भी अभी तक रिसोर्स को टैप नहीं किया गया जी। और हमारे सारे दिए हुए एडवाइस सरकार के फाइलों में पड़ा हुआ है। आपने सरकार को एडवाइस बहुत सा एडवाइस दिया, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा, लेकिन किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। और इसके कारण हमारे सरकार देश की अपनी खामियां रही है। अपनी खामियां रही है क्योंकि संविधान मंत्री हमारे नहीं रहे हैं, वो समझ रहे ऊर्जा क्या है, ऊर्जा को समझने की कोशिश करें। अगर कोई डिबेट होता है तो सुने, और ये पॉलिटिकल काम नहीं है, रियलिटी पर मुद्दा तो उठाया जाता है कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। अब इसका असर देखिए पूरे देश में, प्रेस वाले जाए देहात में देखे जाकर कि 2 घंटे बिजली भी नहीं आती है। और इवन दिल्ली में चाहे NCR में नोएडा गुड़गांव सब जगह आप देखिए कि दिन में 200 बार बिजली कटती है। और बिजली का सही रोल होना चाहिए कि इंटरप्शन फ्री, मतलब 1 सेकंड के लिए भी बिजली नहीं कटना चाहिए। और ऐसी स्थिति आपको अमेरिका में, इंग्लैंड में सब जगह है। कभी कभी, कभी 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 तूफान आवे, कुछ आवे तो गलत बात है, कभी कटेगा तो, लेकिन नुकसान इससे कितना ज्यादा सोचने की बात है। अगर ऑक्सीजन सिस्टम में न रहे तो हम सब मर जाएंगे। उस तरह से आज स्थिति यह है कि ऊर्जा न रहे तो हमारी इकोनॉमी ठप हो जाती है। और पर कैपिटा कंजम्पशन के बेसिस पर हम इकोनॉमिकल ग्रोथ किसी कंट्री का एसेस करते हैं। आज हम चाइना से भी 10 गुना नीचे हो गए हैं। बिल्कुल और पता नहीं अमेरिका से 50 गुना नीचे होंगे। तो इसी हालत है हमारे देश की कि इसको समझने वाले न मिलने की वजह से हम लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं और ज्यादा पिछड़ जाएंगे। ऊर्जा के नहीं रहने से इंडस्ट्री नहीं चलती ठीक से, इंडस्ट्री ठीक से नहीं चलने की वजह से हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं होता, लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं और बैठते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं। अगर ऊर्जा क्षेत्र को ही ठीक कर दिया जाए तो हमारे यहाँ 90% क्राइम रुक जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा और देश काफी तरक्की करेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि नई सरकार जब आती है तो अधिक से अधिक ध्यान दे ऊर्जा क्षेत्र को और सबसे अधिक प्रायोरिटी इस पर दी जाए। और इसका प्लानिंग करने के लिए जो नॉलेजेबल इंजीनियर है देश के अंदर उनकी राय लेकर प्लानिंग की जाए। और प्लानिंग कमीशन में CM में सही आदमी जो जानकार है ऊर्जा को, जो ऊर्जा समझता है, और उसके अनुसार कितना हाइड्रो डेवलप करें, कितना थर्मल डेवलप करें, कितना जल्दी कैसे करें, इसका आकलन किया जाए, नहीं तो देश की दुर्गति बहुत ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल योगेंद्र प्रसाद जी आपकी बातें सुन के बिल्कुल लगता है। अभी हाल ही में आपके ऊपर एक बुक भी प्रकाशित हुई है, ऊर्जा पुरुष इंजीनियर योगेंद्र प्रसाद जी। तो आप एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी मैं कि हम घर घर से बिजली को जोड़ कैसे सकते हैं? देखिए बिजली में क्या होता है, एक पहले जनरेशन होता है, जेनरिक प्लांट से जनरेट करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन से फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं, ग्रिड स्टेशन के अंदर देते हैं, और वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के द्वारा लेवल के भी थर्डरी के भी लाइन निकालकर फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 220 वोल्ट की निकालते हैं और घर घर बिजली देते हैं। लेकिन आज क्या है, जनरेशन करेंगे तभी तो ट्रांसमिट करेंगे, तभी तो हम घर घर बिजली देंगे। हमारा जनरेशन कम है और जनरेशन में भी मिक्स प्रॉपर होता है क्योंकि बिजली हम अपने आप कंट्रोल करें, जब फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाएगा 50 से ऊपर तो हम अभी ड्यूटी कमीशन का रेट आप देखिए 0% बिजली देना है, लेकिन लोड कहाँ से लाएंगे रात में, लोड अपना क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग पंप स्टोरेज बनाते हैं। पंप स्टोरेज में क्या होता है, रात में जब बिजली की डिमांड कम हो जाती है तो उससे उसमें लोड दे करके फिर पानी ऊपर रिजर्वर में ले जाते हैं और उसके बाद फिर जब ऊर्जा की डिमांड बढ़ जाने पर उसे पावर जनरेट करते हैं। रिजर्वायर प्रोजेक्ट जो हाइड्रो का है
उसमें भी ऊर्जा जमा करके रखते हैं। ये सब सिस्टम ऐसा है जिसके थ्रू जब भी जरूरत होगा तो हम बिजली पैदा कर देंगे, नहीं जरूरत होगा तो फिर हम उसको बंद कर देंगे। और ये काम थर्मल से न्यूक्लियर से नहीं कर सकते हैं, ये हमारे प्लानर को समझना पड़ेगा, इंजीनियर को समझना पड़ेगा, जिसकी समझदारी हमारे देश में बिल्कुल ही नहीं बराबर। देखिए इस परिचर्चा को हम थोड़ा सा आगे और विस्तार में इसके बारे में बात करेंगे, तब तक आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।